सही गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मजीद। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है अपने फोटोशॉप कोर्स के अंदर और आगे बढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ। जो भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ में गलतियां करते हैं, मेनली जो बहुत बेसिक गलतियां होती हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब इसके बारे में अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाने, तो अभी लेट्स से अगर जैसे आप हमारे पास में एक इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल जे, और इसको मैं कर लेता हूँ रास्टराइज ताकि एक रास्टर इमेज बन जाए। अभी अगर मैं इस पर कलर करने की कोशिश करूँ तो हम क्या करते हैं, देखो रास्टर इमेजेस पे क्या कर देते हैं, कई बार गलतियाँ हम ये कर देते हैं कि यहाँ पे हमें को पेंट करना है, कोई बात नहीं, सेम लेयर सेलेक्ट की उसी के ऊपर कलर कर दिया। लेकिन इन फ्यूचर बाद में अपने को अगर ये कलर हटाना है तो अपन नहीं हटा सकते, बिकॉज ये एक रास्टर इमेज के ऊपर है ना। आप कंट्रोल जेड करके अंडू करके कर सकते हो, बट अगर जो है आप कुछ आपने कर दिया फिर उसके आगे कुछ अलग से स्टेप्स कर दिए उसके बाद कंट्रोल जेड करोगे तो हो सकता है कि आपके पास में रिजल्ट ना आ पाए, राइट। सो ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ओके, अभी देखिए ये हमारे पास में एक सिंपल रास्टर इमेज है, इसमें मैंने कलर करना है, मैं कर सकता हूँ। वेयर एज अगर मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूँ और अब अगर मैं इस पर कलर करने की ट्राई करूँ तो हमारे पास में एक नो साइन बन के आ जाता है। इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में एक मैसेज आ जाता है कि ये रास्टराइज हो सकता है। सो ये जो चीज़ होती है ना, अब बहुत लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है ना कि यहाँ पे क्लिक करते से ये मैसेज क्यों आता है तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। क्लिक करने पे मैसेज आता है कि अगर आप क्लिक करते हो और फिर आपके पास में अगर आप ये ड्रैग करते हो तो यहाँ पर आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो रास्टराइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अपने को ये चीज़ नहीं करनी है। कलर करना है कर सकते हो, सेम लेयर पे करना है कर सकते हो। कैसे? अभी देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक अलग से जो है एक पूरी फाइल क्रिएट करके रखता है, उसका जो डेटा है उस इमेज का वो स्टोर करा के रखता है, फिर जैसे ही आप स्केल करते हो तो वो उस हिसाब से उसका डेटा यूज करता है, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर हम उस डेटा के अंदर जाना चाहें, उस जो हमारा फोटोशॉप है उसके अंदर जो जहाँ पे इसने अपना डेटा स्टोर करके रखा है उसके अंदर जाएं तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे? हमें सिर्फ इस पर जो है ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो थंबनेल है इस पर डबल क्लिक करना है। अभी देखिए कुछ हुआ नहीं है, बस अगर आप देखें तो हमारे पास में ये एक अलग फाइल है, पूरी एक ऐसी ये एक अलग फाइल है और ये एक अलग फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब दोनों में फर्क इतना है, ये एक डेटा फाइल है जहां से हम डेटा उठा रही है जो फोटोशॉप यहाँ पर, और जो भी जैसे अब यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए इस लेयर के अंदर तो वो चीज़ हमको यहाँ पे भी शो हो जाएगी। कैसे? अभी देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे एक लेयर है, मैं अभी यहाँ पे एक अलग लेयर बना रहा हूँ, सेम लेयर पे बिल्कुल क्रिएट नहीं करने वाला, एक अलग लेयर क्रिएट कर दी। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगी, वापस जाओगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो लेयर्स है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है, राइट। सो ये वो वाली लेयर है जो हमने जो है पहले स्टार्टिंग में जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए है वो सेम लेयर पे ही, लेकिन अगर हम चाहें अब एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। रास्टर इमेजेस पे एडिट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। जैसे अब इसको मैं बंद भी कर दूं, कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करोगे ये सेम डेटा मिल गया आपको, डेटा ये बंद कर दिया आपको, डेटा सेव कर दिया, चलो जी आपके पास में यहाँ पे सारे का सारा चीज अपडेट हो गई है। सो ये मैसेज बेसिकली इसी के लिए आता है कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, बट अगर आपको उसको करना ही एडिट तो आप जो है सिंपली इस पर डबल क्लिक करें, एक नई फाइल पे जाएं जिसके जो डेटा फाइल है, यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। सो ये एक तरीका है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो बहुत सारे लोग जो करते हैं कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी रास्टर करके फिर उसी को यूज करते हैं। डोंट डू दैट, आप उसी की डेटा फाइल के अंदर जाओ, वहाँ पे चेंजेस कर दो और उसके बाद में आप जैसा भी यूज करना चाहो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।